SB20 का एक नया वर्जन जैसा आप देख सकते हो, ये वाला, ये काफ़ी यूनिक लग रहा है भाई हेलमेट। अगर तेरे को चूज़ करने को बोले ये वाला हेलमेट या ये वाला, तो कौन सा लेगा? एक हेलमेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये है एक्सिस ड्रैगन फ्रोजा हेलमेट कुछ कहते हैं इसको, ये वाला हेलमेट है। इसका टीथ का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा यूनिक है भाई। गाइज ये आप देख सकते हो, अभी अनबॉक्सिंग होने जा रही है AGV। सो गाइज जैसा आप देख सकते हो, ये है भाई असली AGV, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी है और काफ़ी अच्छी पैडिंग है भाई, देख सकते हो आप। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो गाइस के सो आप सब लोग होप करता हूँ उससे भी वह लोग बढ़िया होंगे। इतने टाइम से कोई ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था, इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि यार देखो गाइस, मेरा जो यूट्यूब चैनल था ना वो डीमोनिटाइज हो गया था। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मेरे चैनल पर आ गया था रियूज़ कॉन्टेंट, मतलब पहले मोनिटाइज हुआ दैन उसके बाद दोबारा डीमोनिटाइज हो गया। और इस चीज़ को लेकर के ना भाई लिटरली मैं इतना ज़्यादा परेशान था ना, इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम फेस करी मैंने इस चीज़ को लेकर के। मैंने अपील वीडियो भी डाली बट वो भी रिजेक्ट हो गई। और जो भाई जो भी बंदा इस यूट्यूब लाइन में है ना भाई, उसे पता होगा कितनी ज़्यादा क्या बोले तो कुछ भी हो सकता है भाई। इसमें आपका कंटेंट जो है ना उस पर कॉपीराइट आ सकता है, स्ट्राइक लग सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। तो जो भी नए भाई क्रिएटर्स हैं उनको मैं कहना चाहूँगा भाई कि प्लीज़ अपनी जो वीडियो है ना जितनी हो सके उतनी सिंपल एडिट करो, सिंपल अपलोड करो, कोई भी मीम्स मत डालो, कोई भी गाना मत डालो भाई, क्योंकि कुछ भी सीन हो सकता है। अब मेरे साथ हो गया भाई, वो क्या है मुझे पता नहीं है, रियूज कंटेंट आया, अब ऐसी चीज़ें तो पता भी नहीं लगती भाई, तो वो बहुत बड़ा इशू है। 3 साल की मेहनत थी गाइस, एकदम से ऐसा हो गया। कोई बात नहीं, अब आज स्टार्ट करते हैं, एक नया ब्लॉग है आज। आज का जो ब्लॉग है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं भाई एक नया हेलमेट परचेस करने, जो कि एक मोस्ट डिमांडिंग हेलमेट है, बहुत ही ज़्यादा वायरल है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है अभी। वो परचेस करने के लिए सीधा जाएंगे हम मोटो जोन में, क्योंकि मोटो जोन पर बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है हेलमेट्स की, वहीं जाएंगे, वहाँ जाके परचेस करेंगे। और भाई चश्मा इसलिए लगाए कि ना देहरादून में धूप बहुत ज़्यादा है भाई, तो इस चीज़ से बचने के लिए भाई चश्मे का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आंखों में ना डायरेक्ट रेस पड़ती है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सीधा चलते हैं अभी मोटो जोन पे, बिना ज़्यादा बात करे हुए सीधा मिलते हैं आपको आगे, चलो। तो गाइस फाइनली हम मोटो जोन आ चुके हैं एंड आप देख सकते हो ये वो शॉप है, यहाँ पे हेलमेट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, आपने पहले भी मेरी वीडियोस में देखा होगा। और आज हमारे साथ है मनीष भाई एंड देहरादून में गर्मी चेक करो, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है ना देहरादून में, और ट्रैफिक तो आपको पता ही है, ट्रैफिक आजकल बहुत ज़्यादा लग रहा है घंटाघर साइड में। तो ये शॉप आपके घंटाघर के पास ही है, घंटाघर से रोड जाती है इधर है, मोटो जोन करके देख सकते हो आप, स्निफर्स के ऊपर है। तो चलते हैं भाई, अभी अपना सामान वगैरह ले लिया है हमने एंड एक्टिवा पार्क कर दी इधर, तो चलते हैं अभी सीधा मोटो जोन के अंदर। आप लोगों ने देखा यहाँ पे हेलमेट की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है एंड सिनेमैटिक शॉट पे देखा आपने एक एक हेलमेट को, और यहाँ पे ना मतलब आपको लगभग सारी वैरायटी मिल जाएगी हेलमेट की, चाहे आपको एक्रॉस चाहिए, आपको एक्सेस चाहिए, एमटी चाहिए, वेगा बोल्ट चाहिए, कोई सा भी हेलमेट चाहिए सारे मिल जाएंगे। मैं आपको पहले हेलमेट दिखा देता हूँ। सो गाइस जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे स्टड्स का हेलमेट है, ड्रिफ्टर भी है, ये भी ड्रिफ्टर का एक और मॉडल है, ये भी स्टड्स का है जो आपने परचेस किया था पहले, स्टील बर्ड का हेलमेट भी है यहाँ पे, एक्सोर का भी है एंड ये देख सकते हो गाइस SB20 का एक नया वर्जन जैसा आप देख सकते हो, ये वाला, ये काफ़ी यूनिक लग रहा है भाई हेलमेट और अच्छा है, काफ़ी प्यारा हेलमेट है। और इसके हिसाब से अगर हम आगे देखें तो काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे हेलमेट की ना, मतलब आपको ऑफ रोडिंग हेलमेट भी मिल जाएंगे। इसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो गाइस, ये LS2 का है ऑफ रोडिंग सेट,
ये एक्सोर का है यहाँ पे, तो सारी वैरायटी अवेलेबल है। जोकर भी है, AGV का हेलमेट भी यहाँ पे, अगर आपको AGV चाहिए AGV मिल जाएगा। बूट्स चाहिए बूट्स मिल जाएंगे आपको। वेगा बोर्ड का एक और हेलमेट है यहाँ पे, ये भी नया एडिशन आया वेगा बोर्ड का, वो है। ये है वेगा बोर्ड, दूसरा भी एक और वेगा बोर्ड है वहाँ पे। आपको बनी हेलमेट कवर भी मिल जाएगा इधर। ये एक्सोर का मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा ये वाला हेलमेट, इसे ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और हमने जो हेलमेट सेलेक्ट किया है ना, सो गाइस ये चेक करो आप, ये हेलमेट हम परचेज़ करने वाले हैं। ये है स्टील बर्ड का, जैसा आपने देखा होगा, SBA 20, और एक काफ़ी ज़्यादा शानदार हेलमेट है, क्योंकि इसका जो स्पॉइलर है ना भाई, ये स्पॉइलर ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। तो भैया भी आ रहे हैं हेलमेट लेने के लिए। भैया कौन सा हेलमेट लेके जा रहे हो आप? पैक हो गया एक्सोर का ना। तो आपको प्राइस कैसा लगा यहाँ का? प्राइस तो ठीक है, चौथी पांचवी बार पहले भी लेके जा चुके हो हेलमेट? ग्लव्स ले गया। अच्छा, राइडिंग ग्लव्स ले गया। कौन सी बाइक चलाते हो वैसे? निंजा 300। तो भैया भी राइडर है भाई, लग नहीं रहे भैया, लेकिन चलाते हैं भाई। अच्छा अच्छा, तो ये हमारे अजीत भाई है भाई, ये यहाँ के मतलब हेलमेट पूरा आपको दिखा देंगे, आपको बता देंगे हेलमेट के बारे में। और ये हेलमेट हमने सेलेक्ट किया है भाई, SBA 20। वेगा बोर्ड भी यहीं से लेके गया था भाई, और हेलमेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें हमने एक ब्लैक वाइजर लगाया अभी, और एक हेलमेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये है एक्सिस ड्रैगन फ्रोजा हेलमेट कुछ कहते हैं इसको, ये वाला हेलमेट है। इसका टीथ का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा यूनिक है भाई। तो ये वाला हेलमेट मिल जाएगा आपको 3600 का, और काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है। मैं एक बार इसका आपको दिखा देता हूँ, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पैडिंग काफ़ी अच्छी इसकी। तो ये काफ़ी डिस्काउंट रेट पे मिल जाएगा आपको। इसका स्पॉइलर भी है, काफ़ी अच्छा स्पॉइलर है, पीछे आप देख सकते हो। और इसकी जो पैडिंग है ना, बहुत ही अच्छी है। अभी मेरा इतना ज़्यादा बजट नहीं है, वरना मैं ले लेता इस हेलमेट को, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है हेलमेट। तो भैया प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस बता दो क्या, मतलब कितने से स्टार्ट हो जाएगा आपका? मेरे पास हाफ हेलमेट हो जाते हैं ₹1000 से। ठीक है, और बाकी फुल हो गया अच्छे तो 2500 से हुए। बढ़िया, वहाँ पे AGV भी रखा हुआ था आपने, AGV का भी है क्या आपके पास? हाँ, AGV है ओरिजिनल। तो गाइस ये आप देख सकते हो, अभी अनबॉक्सिंग होने जा रहे हैं AGV। इसमें ब्लैक कलर मिल जाएगा, ऑर्डर पे ही मंगाते हैं। अच्छा, ऑर्डर पे मंगाते हो आप। सो गाइस जैसा आप देख सकते हो, ये है भाई असली AGV, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी है और काफ़ी अच्छी पैडिंग है भाई, देख सकते हो आप, ओरिजिनल AGV है गाइस, आप चेक कर सकते हो। प्यारा कलर लग रहा है ना, बहुत प्यारा है ना, ये देख सकते हो गाइस, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। 26,000 के इसकी प्राइसिंग है, वो थोड़ा बहुत हो सकता है, अगर आप आओगे तो भैया कर दे अपने हिसाब से। बाकी ऑर्डर पे आते हैं, क्योंकि स्पेशल हेलमेट है ना। तो इसका जो सामने का ये वाइजर का, ये उतार के दिखाते हैं आपको भी। सो गाइस ये लुक चेक करो, अब आ गया प्रॉपर लुक में ब्लैक, आप चेक कर सकते हो। एक सिनेमैटिक दिखाते हैं आपको। I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a god complex, haters love to hate but I never feel pressed. Got a lot on my plate but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! SBA 20 में एक और वर्जन भी आता है ग्राफिक्स वाला, जैसा आप ये देख सकते हो, ये है ग्राफिक्स वाला वर्जन। एंड जिस भी भाई को अगर ग्राफिक्स में लेना है तो ये भी अवेलेबल है यहाँ पे, और ये आपको ग्राफिक्स भी मिल जाएगा, देख सकते हो गाइज आप, स्पॉइलर सेम ही है। बट जो बात इसके उसमें है ना, मतलब जो कॉन्ट्रास्ट ये क्रिएट कर रहा है, उतना ये क्रिएट नहीं कर रहा, मतलब ये नॉर्मली लग रहा है। तो मनीष बताएगा भाई कैसा लगा तेरे को हेलमेट वाला? एवरेज है। अगर तेरे को चूज करने को बोले ये वाला हेलमेट या ये वाला, तो कौन सा लेगा? ब्लैक वाला। तो ब्लैक वाला भाई वो तो है, खैर इसकी बात अलग है। हाँ, ये नॉर्मल लग रहा है उसके सामने ना, सेम हेलमेट है गाइस, तो देख सकते हो। भैया इसकी प्राइस क्या होगी? ये 2250 का, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स है और ये प्लेन ब्लैक है, तो ये हमें 1800 का मिला है। ठीक है, ये हेलमेट काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, तो भाई स्टॉक कभी रहता नहीं है, तो अवेलेबल करा देंगे भैया। तो भाई ये वाला जो हेलमेट है ना, ये वेगा बोर्ड से काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, तो सिटी में अगर आप राइड कर रहे हो, नॉर्मल राइड कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होने वाला हेलमेट। इसके साथ साथ एक इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि इसका जो ये है ना वाइजर, ये आपको मिल जाता है, इसे ईजिली ओपन कर सकते हो। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि आप इसको इस तरीके से भी ओपन कर सकते हो, तो इससे क्या होता है कि अगर आप सिटी में, आपको एकदम रिलैक्स होकर आप राइड कर सकते हो नॉर्मली। बहुत ही अच्छा हेलमेट है भाई, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और प्राइस के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा हेलमेट है। तो अगर आपको ये हेलमेट परचेज करना है भाई, तो मोटो जोन में आ जाना, भैया की शॉप है, अजीत भैया यहाँ पे आपको मिलेंगे, सारी वैरायटी आपको दिखा देंगे हेलमेट की, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे परचेज कर सकते हो।
होप करता हूँ आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग पे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मीनवाइल भैया यार, ये वाला बैग कितने का पड़ जाएगा? चार हज़ार का बैग। बस इसका ये सैली है, उसके अलावा कुछ नहीं इसमें या कुछ और सामान? तो सर कार्बन में वाला बैग, और वो लाइट वाला बैग भी होगा आपके पास में ना? अच्छा बाहर टांग रखा है वो लाइट वाला बैग, ठीक है। तो गाइज ले लिया अपना हेलमेट, चलते हैं, आपको आगे मिलते हैं फिर।